अरे पिस्तौल बाता भी हो है मेरे दिखावे यार, तू लोग पत्रकार हो क्या? कहाँ लहरा गए तू लोग? हमारा बाप बापो हो बना। बात विचार से कोई को किसी को किसी पत्रकार को कष्ट होता हो, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी। पहले गाली दी, फिर बाद में माफी मांग ली और कहा कि अगर मेरे किसी बात से पत्रकारों को ठेस पहुंची है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। जी हां, बिहार में जदयू के विधायक गोपालपुर से गोपाल मंडल ने पत्रकारों के साथ किए बदसलूकी के बदले अब माफी मांग ली है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। आपको बताते चले कि जैसा कि कुछ दिन पहले शुक्रवार को वीडियो आया था जिसमें गोपाल मंडल, जो भागलपुर के गोपालपुर से विधायक हैं, चार बार से विधायक हैं, अस्पताल में बंदूक लेकर पिस्तौल लेकर घूमते हुए नजर आए थे, कैमरे में कैद हुए थे, जिस पर तमाम तरह के विवाद पनप गए थे कि एक विधायक क्यों अस्पताल में पिस्तौल लहरा रहा है, वो पिस्तौल लेकर घूमते हुए देखे गए थे। इस पर जब शुक्रवार को जदयू कार्यालय में आए गोपाल मंडल से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप क्या अस्पताल में कट्टा लहराएंगे, पिस्तौल लहराएंगे, जिस पर वो भड़क गए थे और जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ हम कट्टा लहराएंगे, अभी मेरे पास हैं, दिखाएं, तुम हमारे बाप हो जो हमको रोकोगे, और भी तरह की कई तरह की बातें उन्होंने कही थी। और उसके बाद उन्होंने गाली भी दी थी, वो गालियां जो हम आपको YouTube पर नहीं सुना सकते, उस गालियों का इस्तेमाल किया गया था पत्रकारों के लिए। धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगा है उनके जो गार्ड थे और पिए थे उनके साथ। अरे पिस्तौल बाता भी हो है मेरे, दिखावे यार तू लोग पत्रकार हो क्या? कहाँ लहरा गए तू लोग? हमारा बाप बापो हो बना। बात विचार से कोई को किसी को किसी पत्रकार को कष्ट होता हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस तमाम पूरे प्रकरण के बाद एक पूरा मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको इस वीडियो को शेयर कर दिया है और जमकर बरस रही थी, सरकार बैकफुट पे जा रही थी, तब अचानक से अगले दिन ये वीडियो आता है और आज गोपाल मंडल ने पत्रकारों से माफ़ी मांग ली है। एक वीडियो जारी करते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि उनको पत्रकारों को ऐसे कुछ बदसलूकी करने की कोई मंशा नहीं थी, वो चार बार से विधायक रहे हैं और कोई दबंगई से जीत कर नहीं आए हैं, जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें लगता है, पत्रकारों को ये लगता है कि उनकी बदसलूकी से या उनके साथ उन्होंने अभद्रता की है, किसी बात से उनको ठेस पहुंची है, तो वो क्षमा प्रार्थी हैं, वो माफ़ी मांगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पूरा प्रकरण हुआ क्या था, वो अपनी एक तरह से उन्होंने बात को घुमा दिया है और कहा है कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी है, वो कह रहे थे अपने पीए से अपने गार्ड से कि हमें बात करने दो, हम पत्रकारों की इज्जत करते हैं। और इसके बाद उन्होंने अस्पताल का जिक्र किया कि अस्पताल में किस तरीके से वो बंदूक लेकर नहीं पहुंचे थे, मतलब बंदूक लेकर गए थे लेकिन चूंकि उनके पास बेल्ट नहीं था, रखने की जगह नहीं थी, उनके पास हमेशा एक बंदूक होता है तो उसको वो हाथ में पकड़े हुए थे, जिसको लेकर लोगों ने कहा कि लहरा रहे थे। तो इन तमाम तरह की बातों पर गोपाल मंडल ने अपनी सफाई दी है, वीडियो जारी करके पत्रकारों से माफ़ी मांगी है। तो अब क्या होगा ये देखने वाली चीज़ है। सरकार ने हालांकि जाहिर तौर पर जदयू पर काफ़ी दबाव बनाया है, जदयू ने गोपाल मंडल पर दबाव बनाया है सरकार की तरफ से, जिसके बाद गोपाल मंडल ने आकर माफ़ी मांग ली है, पत्रकारों के हित में उनके साथ अभद्रता करने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है और कहा है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। गोपाल मंडल ने कहा है कि वो अपने आदमियों को डांट रहे थे कि हमें पत्रकारों से बात करने दो, वो मुख्यमंत्री से मिलने जदयू कार्यालय आए थे और इसी बीच पत्रकारों ने उन्हें पकड़ लिया था बीच रास्ते में ही, और उनसे जब सवाल पूछा था कि क्या आप कट्टा लहराएंगे, क्या आप पिस्तौल लहराएंगे, ये कौन सा आपको इस ये सब कौन सिखाता है, कहाँ से करते हैं, तब वो भड़क गए थे और कहा था कि लहराएंगे, दिखावे, अभी भी मेरे पास है, तुम हमारे बाप हो जो हमसे पूछोगे, तुम्हारे पापा हो, इन सब शब्दों का इस्तेमाल ऑन रिकॉर्ड है, ये कैमरे पर है। लेकिन अब गोपाल मंडल ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और अगर ऐसा कुछ लगा हो किसी को और इससे पत्रकारों को ठेस पहुंची हो तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो थोड़ा उत्तेजित हो गए थे, उनके माइक से उनको चोट लग गई थी। तो तमाम तरह की चीज़ें थी, इस पर कल तेज प्रताप यादव से ही प्रतिक्रिया ली गई, इस पर ललन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है, तो तमाम तरह की चीज़ें सामने आई है जिसके बाद उन पर दबाव बना है और गोपाल मंडल ने आज पत्रकारों से माफ़ी मांग ली है। तो फिलहाल ये थी खबर अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट जो हम आपको दिखा रहे हैं गोपाल मंडल के सिलसिले में, जो अपडेट था हमने आपको दे दिया है। फिलहाल आगे आज क्या कुछ होने वाला है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जुड़े रहिए प्रकाश वाणी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक फॉलो कर दीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाश वाणी। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, हमारे व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10,00,001,000 लोगों तक अपनी चैनल को पहुंचाया है, अपने वीडियोज को पहुंचाया है, वैसे भी 5-6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।